गठबंधन नहीं होता तो टक्कर का मुकाबला होना था। ये तो गठबंधन के आधार पर जब रालोद जो है भाजपा में चला गया तो मुकाबला कमजोर पड़ गया, विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। किस मजबूरी में वोट दे रहे हो? जयंत चौधरी की वजह से नहीं, गठबंधन जो हो गया यही मजबूरी है और क्या, यह मजबूरी हमारी। यानी हम तो गाड़ी देते, साफ सीधी बात है, उसमें क्या बात है, हम तो गाड़ी देते 6 महीने पहले, अब भी देते अगर गठबंधन ना होता तो। गठबंधन ना होता तो हम आती वही भाषा है। मलिक साहब मान लो लंबा राजनीतिक अनुभव है, मलिक साहब का भी लंबा राजनीतिक जीवन भी है, तो भी जाट समाज का वोट नहीं मिलेगा मलिक साहब को? अब यूँ नहीं पता भैया कितनी मिलेंगी, पर आदि आदि बटेंगे। हाँ ध्यान रखिए, आधी आधी मिलेंगे, 30% जाट है, 30 मतलब आधी आधी हो जाएंगे। हाँ क्या कह रहे हैं, आधी आधी वोट चली जाएगी मलिक साहब को और संजीव बालियान जी को? उसका लड़का, अबे यहाँ ये बेटा, उसका लड़का यही बताओगा, इसका ही लड़का है, यहाँ आ जा, यहाँ आ जा। तो मुझे भाई मुझे पहचान नहीं है भैया। जहाँ जयंत चौधरी है हम वहाँ उनके साथ हैं, चाहे कहीं भी हो हम तो जयंत चौधरी के साथ हैं। नहीं भैया हम तो है लोक दल गए, हम तो है प्योर लोक दल गए, पर मजबूरी में कहाँ जाओ, जब महाराज जाओ जिन्होंने वहाँ जा लिया, अब तो भाजपा को जाएंगे, इसके अलावा जाना नहीं, जिसकी सरकार उसे उसके चरण छू लो, भाजपा को छोड़े मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा। भाजपा को वोट तो दे रहे पर छोड़ना दे रहे, छोड़ में गुस्से में और सरकार सब एक गांडू लेडी। बापू बेटा हर बार जैसे पीछे मोदी ने अगर भारत रत्न का टुकड़ा ला दिखाया होता इसने तो ज्यादा नहीं डर जाए, हमारा लोक दल में ठोक के रखता, सभी भाजपा में जा लिए, जब मारे नेता भाजपा में जा लिए, मारा जीत मरवा दिया, भैया सोच दो फिर भैया भाजपा के पकड़ लो, उसी के तो चरण में पड़े रहो और कुछ नहीं। बिखर गए जाट, कोई भाजपा में जाएगा तो कोई कांग्रेस में जाएगा, बिखर गया। अब पहले पहले जो लोक दल था हमारा, अभी 25 साल हो गए होंगे, शायद 30 साल हो गए होंगे, वो क्या नाम है जिला अध्यक्ष था जसबीर, लोक दल में रह कर था, अब यहाँ उसमें चला गया, भाजपा में चला गया, मनिंदर चला गया, अरे ये सब लोग दल में रह रहे थे, कुर्सी चाहिए सबको, कुर्सी की सलाम है, कुर्सी चाहिए सबको कोड़े के लिए, सब भाग जाओ, लोक दल ही टूट गया बिल्कुल, बताओ कौन रह गया नेता लोक दल में, जब वो हमारा ही नेता बिखर गया। हाँ अब तो मजबूर में जाट आधे जाट बिखर गया, कांग्रेस में जाके जरूर, जब वो नेता ही बिखर गया हमारा, हाँ वो टुकड़ा दिखा दिया उसे भारत रत्न का भाग गया, इतना चालू है मोदी, अगर इस टाइम पर वो पहले क्यों नहीं दिखाया बताओ, बच्चरण सिंह तो कितने दिन हो गए मरे को, बहुत दिन हो गए, लेकिन उसमें चुनाव के दौरान ही टुकड़ा को दिखा दिया, टुकड़ा दिखाते ही गोली बल दी उसकी। इच्छा तो जी जो हमारे अजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने की थी, हमारी सीट जो है लोकदल पर रहनी थी, मुझे बना हम अपने विचारों से हमें उन्हें श्रद्धांजलि देते, यो जीता गए, अब भाजपा का भाजपा को देंगे वोट, मजबूरी ने काम ही आपका पहली बार सही करा, हमारा तो कहना ही हुआ है सही काम करा, सत्ता की सत्ता का भी तो सुख लेकर देखा आदमी, हर वक्त भी हर उसमें भी पक्ष नहीं रहा, कम से कम सत्ता में जाकर देखा क्या पता कुछ मिली जा, कुछ हासिल हो गए। जब मैं नेता चला गया फिर तो पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, लोक दल पार्टी रह गई, जब मैं सुनो जब गांव का मुखिया चला गया वो जैन क्यों फूल पर लड़ेगा, जब भाजपा में चला अपने हिम्मत पे क्या लड़ेगा, समझौते ही तो कर रहा मैं थर से, यो भी कोई बात है, मैं थोड़ा साझा ही तो कर रहा हूँ, अरे साझा ही तो कर रहा हूँ मैं अपना घर भी देख कर, तुम्हें थोड़े थोड़े रहने लगा किन्ने का रखा किन्ने हरिंद्र मलिक ने, नुमे सभा साझा कर लिया, अन्य बेटे लोग कौन पैसे उसमें रहे कौन पीछे जयंत को, हाँ और जब उसे फायदा दिख रहा था तो पहले भाजपा चला था, वो दिक्कत हो रही थी, जब वो सिंबल खत्म कर रहा था मोदी, चाचा मैं बताऊं पिछली बार सिंबल खत्म करने को कह रहा था मोदी उसे, मुझे सिंबल खत्म करूंगा तेरा, करके देख ले ओखा तो करके देखो ना, गन्ने का भाव, गन्ने का भुगतान, MSP और किसान एक बार फिर से वहां पंजाब के बॉर्डर पर खड़ा है, दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा उसे, ये मुद्दे परेशान नहीं करते आप लोग? हमें कुछ नहीं परेशान करते, चीज पे खुदरा पे देख लो आप, खाद पे किसी भी चीज पे एक गारंटी है इनकी, एक किसान का जो MSP है इसकी गारंटी क्यों नहीं देना चाहते? साथ तो रहोगे लेकिन जयंत चौधरी ने सही करा क्या और नया गठबंधन बनाया, कुछ भी क्या पता है कुछ नहीं,
क्या बताऊंगे क्या, ये पता ही कुछ नहीं है। 20 रुपए बढ़े थे, 20 बढ़ाए, 10 खा गए होगी, नहीं खाए बताओ आगे क्या हाल करेंगे ये। फिर भी बीजेपी को वोट तो देनी पड़ेगी, जांच की जरूरत से, अरे हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया आज तक, अब देनी पड़ेगी। सही बात तो ये है कि जब हमारा एक किसान नेता संसद में बैठेगा, सरकार में भागीदार रहेंगे, तो नीतियों में कहीं ना कहीं सलाह मशवरा होगा, जब नीतियों में सलाह मशवरा होगा तो ठीक ही नीतियां लागू होंगी। तो उम्मीद है कि भाई चौधरी बीजेपी की जो मान लो नीतियां हैं उन्हें बदल देंगे या बीजेपी चौधरी को बदल देंगे। दलितों को भी दिख रहा है जयंत चौधरी जी हमेशा हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। पुरखा जी से हमारे माननीय विधायक अनिल कुमार जी को कैबिनेट में भेजने का काम जयंत चौधरी ने किया, बहुत बड़ा काम है ये। बहन जी भी मुख्यमंत्री रही, वो भी नहीं भेज पाई, उनकी सरकार में भी विधायक थे, तो चौधरी साहब ने जो इतना बड़ा निर्णय लिया अनुसूचित वर्ग के एक विधायक को कैबिनेट भेजने का काम किया, बहुत बड़ी बात है। समाज इससे प्रभावित है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी के पक्ष में वोट देने का काम किया। लास्ट ईयर भी सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो है किसानों को बिजली फ्री कर देंगे, मार्च से वो लागू होगी, लेकिन उस टाइम वो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हमारे चौधरी साहब गठबंधन में आए, इस बार घोषणा ही नहीं, वो लागू कर दिए। तो ये फर्क है, जब किसान नेता किसी पार्टी में आता है या किसानों की सोच रखने वाले नेता जब पार्टी में या उसमें सरकार में भागीदारी करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है। ये फर्क साफ साफ देखने को मिलता है। मायावती भी है, अलग लड़ेगी, और कभी जो भरोसा हो आप लोगों को, लोगों नाच खुआ रहे हैं और ये वोट देंगे, वोट ना दे एक भी, ना झूठ कह रहा क्या भाई, कभी इस चक्कर में हो नाच फ्री दे रहे हैं, वोट ना दे एक भी, अगर उसका कैंडिडेट लड़ा तो एक एक वोट जाएगा। मुझे हरेंद्र मलिक से कोई लगाव नहीं, कैंडिडेट कमजोर नहीं है, 50% जाट ले रहा हरेंद्र मलिक और मुस्लिम एक एक वोट। तुम फुलका बोल रहे, इनके दबाव में ना ये तो नेता है, मुसलमान वोट एक। अच्छा इधर को जाओ थोड़ा सा, इन्हें भी तो सुना, मैं अपने भाई आसानी है, इनको जो है लोग दलवाड़े मिल गए तो जीत जरूरी है, कोई वैसी बात नहीं है, वोट तो हम करेंगे लेकिन मक्के कितने भगेंगे। राजनीति मत से भी चल रही है, 140 से भी चल रहा है राजनीति। हाँ आज तक मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दी जयंत के सिवाय, लोगों ने ये भी कहा ना खड्डे में घेर रहा, मगर साले को भरूंगा तो कुछ तो ऊपर को आवे गई, लेकिन आप इनके साथ देनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम है मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र की सरधना विधानसभा में, और ये गांव है पनवाड़ी, जाट ब्राह्मण दलित और लगभग हर तबके के आप लोग इस गांव में हैं, और बड़ी तादाद में आज यहां लोग मौजूद भी हैं। 2024 को लेके लोगों के मन में क्या है और किस मुद्दों के आधार पे इस बार लोग वोट देने जा रहे हैं, इस बारे में हम यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनसे चर्चा करेंगे। भाजी क्या शुभ नाम आपका? मुझे शर्मा, युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष। शुरुआत में बीजेपी आ गई। कैसा माहौल महसूस कर रहे हो मुदित भाई? माहौल बहुत अच्छा है, और जब से लोकदल मिला है तो और भी अच्छा रहेगा। बेड़ा पार है या अभी चुनाव में संघर्ष की स्थिति है? बेड़ा पार है, संघर्ष की कोई स्थिति नहीं है, बेड़ा पार है। सही कह रहे हैं मुदित भाई? सही कह रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? अमित चौधरी जी। तो गठबंधन से ही जान पड़ी चुनाव में, या अगर गठबंधन ना होता तो मुकाबला था इस बार? गठबंधन नहीं होता तो टक्कर का मुकाबला होना था, ये तो गठबंधन के आधार पर जब रालोद जो है भाजपा में चला गया तो मुकाबला कमजोर पड़ गया, विपक्ष में दम नहीं है, विपक्ष के पास कुछ नहीं है। नहीं बोलो बोलो ताऊ बोलो। वैसे सब कुछ बताओ, आप बताओ। मैं क्या बताऊं जी, बताओ। देखो आप वो बोल रहे थे, आपको कुछ कोई तो बात आपके मन में होगी ना? नेता हो, सुनो भाई, नेता हो चापलूस का, ये जी बैठे यहाँ जितने ये सब वोटर हैं और लोकदल के, ये तो हैं पंडित जी, तो वो भाजपा की। अच्छा अब वोट के लिए आए हो गए हैं वो, तो आपका जो मानस है किन मुद्दों के आधार पर आप वोट देना चाहते हैं? वोट के लिए आए ना भाई, वोट तो देना चाहे के लिए आप किधर वोट देना चाह रहे, किन मुद्दों के आधार पर देना चाह रहे? वोट तो मजबूरी देनी, अटल जी ना कह दे थे बसपा उसके लिए, मायावती के लिए नो भाई, समर्थन तो है, मजबूरी है मैं इसे है देना।
तो वोट तो दे, क्या मजबूरी है, किस मजबूरी में वोट दे रहे हो? जयंत चौधरी की वजह से? नहीं, गठबंधन जो हो गया, हाँ यही मजबूरी है, और क्या, यह मजबूरी है हमारी। यानी हम तो गाड़ी देते, साफ सीधी बात है, उसमें क्या बात है, हम तो गाड़ी देते 6 महीने पहले। अब भी देते अगर गठबंधन ना होता तो? गठबंधन ना होता तो हम आते, वही भाषा है। बस और क्या कह लो। अच्छा, दिल में क्या दर्द था जो आप मान लो बीजेपी को गाली दे रहे थे अब तक? बस चलो, वो तो बैठ के बता देंगे लग से। बैठे तो है अभी कोई, आपकी कौन सी समस्या का समाधान होगा जो गठबंधन बन गया तो? गठबंधन का ये है, हमारी भी दो एक लिगड़ जाओ, और क्या है, ये भी तो दो से ही आए थे भाई, ये भाजपा वाले भी दो से आए थे, हम ही लाए थे, लाए भी हम ही थे, शुरू में हम ही लाए थे। अब इस मामले में जो है, सरकार जो है ना, बेरोजगारी के मामले में थोड़ा सा किनारा कर रहे हैं लोग, बस और वैसे ठीक है, और कोई बात ही ना। बात तो बहुत होती है अगर गठबंधन ना होता तो, बात तो बहुत होती है अगर गठबंधन ना होता तो। हाँ, ये तो होती रहे। क्या कह रहे हो ताऊ जी, जो मन में इनके पीड़े? वो ठीक है, हम तो इनकी गैल ही है, हम तो सबकी गैल है, जिनके सब चलेंगे उनको हम चलेंगे, सारे चलने लगे सपा की तरफ को, हरिंदर मलिक की तरफ, वहां कोई चल देंगे तो हाँ वहां चल देंगे, वो भी है। हाँ जी, जाट है दोनों, दोनों जाट है भाई। मलिक साहब, मान लो लंबा राजनीतिक अनुभव है मलिक साहब का भी, लंबा राजनीतिक जीवन भी है, तो भी जाट समाज का वोट नहीं मिलेगा मलिक साहब को? अभी नहीं पता भैया कितनी मिलेंगी, पर आधी आधी बटेंगे। हाँ, ध्यान रखिए, हाँ आधी आधी मिलेंगे, 30% जाट है, 30 मतलब आधी आधी हो जाएंगे। हाँ, क्या कह रहे हैं, आधी आधी वोट चली जाएगी मलिक साहब को और संजीव बालियान जी को? उसका लड़का, अबे यहाँ ये बैठा है, उसका लड़का यही बताओगा, इसका ही लड़का है, यहाँ जा, यहाँ जा। अरे आओगे तो, मुझे भाई मुझे पहचान नहीं है भैया। जा जयंत चौधरी है, हम वहाँ उनके साथ है, चाहे कहीं भी हो, हम तो जयंत चौधरी के साथ है, हम तो दिल से लोक दल के साथ है, जहाँ जयंत चौधरी है वही हम है, हमारी ताई हमारी भाभी सब, जहाँ जयंत चौधरी आए लोग जयंत चौधरी को वोट देते हैं, ना बीजेपी को दिए, आपका भी देनी पड़ेगी बीजेपी को। उन्होंने तो गलत नहीं कहा, दमसूद वोट है, बाप भागू है, बेटा भागू है, क्या गलत तो नहीं कहा उन्होंने, या मना लोगे तो जी को? मना लेंगे, मना देंगे, जहाँ जयंत है हम वहाँ है, संजीव बालियान को दे देंगे वोट। आपको क्या लग रहा है, क्या माहौल है, क्या नाम, क्या लटूर सिंह नाम है, क्या लग रहा है, क्या माहौल है के साथ ही है? जहाँ जयंत भैया में है भाई, नहीं तो कहने के लिए आप लोगों के पास बहुत बातें थी। आओ जी, आओ आओ, बताओ चाचा क्या कहना चाहते हैं भैया, कहने के बारे में? नाम क्या आपका? चुनाव प्रिंसिपल है, परमाटी गांव का रहने वाला हूँ। अरे भैया देखो, सब साफ बात तो है, वोट तो दें हम भैया कांग्रेस को, कोई सब पार्टी फेल है मेरे सामने तो, क्यों अब सब मिल गए, सब जावा रहे ऐसे ऐसे, सब भाजपा में जा ले, मारा जाट भाई वो जाट भाई भाजपा में जा लिया है, अब हम कहाँ जाना है, जाट तो छोड़ो भाग गया, अब हम कहाँ जाना है, इससे अच्छा भाजपा को वोट दे, वोट कहाँ जाना है, जाट तो सब सभी लड़ रहा है कांग्रेस के गठबंधन से, पागल है सब, हट के या तो भाजपा को चले जाओ सारे, अरे नहीं आजाद लड़ाई करनी तो लड़ाई में सब कुछ छोड़ के कांग्रेस साथ लग जाओ सारे, अगर इससे लड़ाई करनी भाजपा से, और भाजपा लड़ाई नहीं करनी तो चुपचाप और बंद कर दो सबको, सबको बंद कर दो, और भाजपा को दियो जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, हमारा तो भैया विचार है, बाकी जाने जनता। अब मान लो सपा का कैंडिडेट है यहाँ पे, कांग्रेस का कैंडिडेट ही नहीं, तो वोट कहाँ जाओगे भैया? फिर चुपचाप भाजपा को दे दो, कहीं देने की जरूरत ही नहीं है, ये देने की जरूरत नहीं किसी को भी, चुपचाप आठ बजे भाजपा, जब और पार्टी कोई नहीं, सब एक देख कर दो वोट ला में, ये हमारा तुल प्रधान हुआ था है, आगे नुकला भाई मेरी सरकार नहीं बनी, अरे तेरी सरकार नहीं बनी, हमने तो वोट दिया, हमारी क्या गलती भाई, जानने तो वोट दिया, हमने बना के भेज दिया, आप लोग मेरी सरकार नहीं, तेरी सरकार थोड़ी बनाओगे हम, हमसे तो बाप गाँव से अपने जिले से बना के भेज दिया, अब जाना तू, अरे क्या भाई मेरी सरकार नहीं भैया, तो अभी तो सरकार किसी की आने ही नहीं, भाजपा की रहेगी, तो भाजपा को वोट दो, सब भाजपा में मजा ले हो जाओ, और क्या रखा, हम तुम्हारा तो भाई विचार ही है, देख क्या कह रहे हैं चाचा, ठीक कह रहे हैं। हाँ जी, देखो अपनी अपनी सोच है साहब, सही है, अपना बीजेपी को वोट देंगे साहब, बीजेपी के कार्यकर्ता ही हैं हम शुरू से ही, 400 तक सोच रहे थे, अब गठबंधन दर से 400 पार हो जाएगी, 400 पार हो जाएगी, 400 पार हो जाएगी, गठबंधन का इतना फायदा है हमें,
ठीक है जी, बालियान जी थे और बालियान जी को फिर वोट देंगे। नहीं भैया, हम तो है लोक दल के, हम तो है प्योर लोक दल के, पर मजबूरी में कहां जाऊं, जब महाराज जाओ जो नेता वहां जा लिया, अब तो भाजपा को जाएंगे, इसके अलावा जाए नहीं। भैया कहीं कहो रिश्तेदार हो गई, इसका मतलब नहीं भाई, जिंदा करना चाह रहे कांग्रेस को, वोट दोगे भाजपा? सुनो, अब तो मजबूरी है, चौथा कांग्रेस में कोई नेता नहीं, हम तो चाह रहे जब लड़ना ही, हमें आपसे मैं लड़ रहा हूँ आपसे, लड़ाई के लिए हमें क्या करना है, लड़ रहा तो दूसरा क्या कहेगा, लड़ो और हार रहे हम, मैं मजबूरी में कांग्रेस चले जाओ, जब कहीं जब भाजपा लड़ना ही है कांग्रेस चले जाओ सारे, ये जो दो पांच जिले में आके वोट लाने से लाभ क्या है भाई, चाचे का भाई चाचे का चाचा हो, इससे मतलब नहीं है, हम नहीं देंगे किसी को भी, हम देंगे फिर भाजपा को देंगे, उसके हम से जीत तो रहा है, सब कुछ मिल तो जाएगा, इससे क्या मिला, एक दो सीट ले जाओ राम राम भाई, तो एक दो सीट ले होगा और कुछ नहीं लेने का, विपक्ष कुछ लेता फिर विपक्ष के डर ले भी लेगा क्या होगा, ये तो भाजपा वाले अपने गुस्से है जिता देंगे, ले भैया जीत के, हमारे नहीं जिताना जिताना, हम नहीं जीत को जिता भेज जाता बेचार, मर भाई दिया हर भाई दिया वो, और मरना क्या लेकिन आपका हरा मर गया, मर जाएगा और मर ही गया, तो भैया हम तो इससे अच्छा भैया जिसके सरकार उसी को उसके चरण छू लो, भाजपा को छोड़े मजबूरी में छोड़ना पड़ेगा, भाजपा को वोट तो दे रहे पर छो में दे रहे हैं, छो में गुस्से में, और सरकार सब एक गांडू लिख रही, सबसे बढ़िया सरकार भाजपा लिख रही है भैया, सौ हिस्सा एक दोनों बापू बेटा हरवा देते पीछे मोदी ने, अगर भारत रत्न का टुकड़ा ना दिखाया होता इसने तो ज्यादा नहीं तर्ज हमारा लोक दल में ठोक के रखता, वो टुकड़ा दिखा दिया मोदी ने और वो भारत रत्न में बस चला गया, कोड़ी भर दी, मजबूरी है, जाट जो है बिखर गया, इतनी सी बात पे मतलब जयंत चौधरी को चले जाना चाहिए था वहाँ, जब चौधरी चरण सिंह तो बसते थे किसान के दिल में और अब भी बस रहे, अब अपने अपने उस पर चौधरी चरण सिंह भी अपने उस पर रहे और अजीत भी अपनी अपनी पार्टी पर रहे मजबूत, और ये इसे टुकड़ा दिखा दिया, टुकड़ा दिखा तो भी साथ भाग गया, जब ये सभी भाजपा में जा लिए, जब मारे नेता भाजपा में जा लिए, मारा अजीत मरवा दिया भैया, सोच दो फिर तो भैया भाजपा के मां पकड़ लो, उसी के दो चरण में पड़े रहो और कुछ नहीं, किस्सा साल में 25 रुपए बढ़ाए गन्ने, अब महंगाई देख लो कितनी गई, महंगाई के ऊपर गन्ना बढ़ना चाहिए, महंगाई देख लो, सिलेंडर था उस टाइम जिस टाइम मोदी आया 300 रुपए का, आज है सिलेंडर 1100 रुपए, हरे हर चीज की महंगाई देख लो, 25 रुपए बढ़ाए सिर्फ मोदी ने 10 साल में, हाँ। हम भाजपा का गुस्सा इसलिए है, सबसे ज्यादा मेन चीज इतना कहा भैया छोड़कर हमारे हमारे नाश कर रखा, सोचा हिस्सा एक है पर मजबूरी में वोट देंगे भाजपा को ही, नहीं नहीं कर रहे पर भाई नाश कर रखा हमारा, बिल्कुल कहा छोड़ोगे जैसे हम इस वजह से भाजपा कटे हुए भी हैं, नाश के बाद भी वोट दोगे भाजपा को है, ये नाश के बाद भी वोट दोगे जैसा ये चचक है, बिखर गए जाट, कोई भाजपा में जाएगा तो कोई कांग्रेस में जाएगा, बिखर गए, अब पहले पहले जो लोक दल था हमारा अभी 25 साल हो गए होंगे, शायद 30 साल हो गए होंगे, वो क्या नाम है जिला अध्यक्ष था जसबीर, लोक दल में रह कर था, अब यहाँ उसमें चला गया भाजपा में चला गया, मनिंदर चला गया, अरे ये सब लोक दल में रह कर थे, कुर्सी चाहिए सबको, कुर्सी की सलाम है, कुर्सी चाहिए सबको कोड़े के लिए, सब भाग जाओ, लोक दल ही टूट गया बिल्कुल, बताओ कौन रह गया नेता लोक दल में, हमेशा लोक दल के पीछे रहते किसान के सब, जिस चीज को ये लालच बता रहे हैं, और भी तो गवर्नमेंट आई थी अब से पहले, क्या नहीं जी कहीं से कुछ मिला तो अपना चला गया, अब गठबंधन है अच्छी बात है, और का भी तो गठबंधन चल रहा है, इसी पे पैजबाजी क्यों है, ये तो एक अकेला गया ना, और तो कोई नहीं गया, या नहीं जी 400 थी 400 में अब क्या प्लस हो जाएगी, थोड़ा गना इन्हें छोया वो भी सही हो जाएगा, देंगे सभी अभी वोट अपना बीजेपी को, ऐसा कुछ नहीं है, तो भाई दोस्त भाई क्या नाम है, मेरा नाम है जी आशीष सिवाच, आशीष सिवाच, तो सिवाच साहब ताऊ जी जो दर्द है ताऊ जी के दिल में ठीक है भाई जी, जैसा ये कह देंगे हम तो इनके बालक है, जिनके इनकी चादर पकड़ रखी, इनके पीछे चल देंगे हम तो, वोट बनी हो ये जाए कहेंगे वहीं गिरेंगे हम तो, मन बन रहा कहीं वोट देने का, किस तरह वोट देने का मन बन रहा भाई, मन तो अब कांग्रेस में बन रहा, तो अब तो जब वो हमारे ही नेता बिखर गया, हाँ अब तो मजबूर में जाट आधे जाट बिखर गया कांग्रेस में जाके जरूर, जब वो नेता ही बिखर गया हमारा, हाँ वो टुकड़ा दिखा दिया तो भारत रत्न का भाग गया, इतना चालू है मोदी, अगर इस टाइम पर पहले क्यों नहीं दिखाया बताओ भाई, चरण सिंह तो कितने दिन हो गए मरे को, बहुत दिन हो गए, लेकिन उसमें चुनाव के दौरान ही टुकड़ा को दिखा दिया, टुकड़ा दिखा तो गोली भर ली उसकी,
तो ये तो राजनीति है इनकी। हमारी दिली इच्छा तो जी जो हमारे अजीत सिंह को श्रद्धांजलि देने की थी, हमारी सीट जो है लोकदल पर रहनी थी मुझे बना, हम अपने विचारों से हम उन्हें श्रद्धांजलि देते जो जीता गए। अब भाजपा का भाजपा को देंगे वोट मजबूरी में, अब तो संजीव बालियान को देनी देंगे हम। बालियान जी को वोट तो दे रहे पर मजबूरी में दे रहे? नहीं मजबूरी क्या, आप जहाँ हमारा नेता है जयंत चौधरी हम तो उसी के साथ हैं, जहाँ वो कहोगे वहाँ हम वहीं वोट देंगे। क्या नाम है भाजी? पंकज चौधरी। तो चौधरी साहब क्या जी में है आपके 2024 के चुनाव के साथ में है, लोकदल के साथ में, जहाँ भी नेता जाकर वहीं जाएंगे। जैसे ये कह रहे हैं उनको वो वहां चला गया, हम विपक्ष हो गए, हम ये दो छोटी मोटी तो चलते रहे, 1-2% तो इंगे तिंगे भागते रहे, चाहे वो जयंत इनके घर भी आकर बैठ जाओ जब भी ये कुछ ना कुछ तो कमी काट देंगे। उनने काम ही अब पहली बार सही करा, हमारा तो कहना ही हुआ है सही काम करा, सत्ता की सत्ता का भी तो सुख लेकर देखा आदमी, हर वक्त भी हर उसमें विपक्ष नहीं रहा, कम से कम सत्ता में जाकर देखा क्या पता कुछ मिली जा कुछ हासिल हो। मैं नेता चला गया फिर तो पार्टी खत्म कर देनी चाहिए, लोकदल पार्टी रहेगा जब मैं सुनो जब गांव का मुखिया चला गया लड़ेगा वो जयंत क्यों फूल पे लड़ेगा, जब भाजपा में चला अपने सिंबल पे क्या लड़ेगा, समझौते ही तो कर रहा मैं थर से है, यो भी कोई बात है मैं थर से साझा ही तो कर रहा हूँ, अरे साझा ही तो कर रहा हूँ मैं अपना घर भी बेच कर तुम्हें थोड़े थोड़े रहन लगा किन्ने का रखा किन्ने हरिंद्र मलिक ने नो मैं सभा साझा कर लिया अन्य बेबी लोग कांग्रेस से उसमें रहे कौन इसे जयंत को हाँ हाँ जब उसे फायदा दिख रहा था तो पहले भाजपा चला जाता वो दिक्कत हो रही थी, वो पिछली बार गया उसे कितनी सीट मिली ये जब वो सिंबल खत्म कर रहा था मोदी, चाचा मैं बताऊं पिछली बार सिंबल खत्म करने को कह रहा था मोदी उसे, मुझे सिंबल खत्म करूंगा तेरा करके देख ले वो खाते तो करके देखो ना। हेलो यार ये क्या बात कर दी तुमने, हेलो अपना सिंबल है बाप जी, हो तो बेकार की बात है भाई, पहले सिंबल खत्म करा था हमने मना कर दी थी, मैं चौधरी साहब ने कभी बिल्कुल नहीं जाऊं सिंबल खत्म करके, अब अपनी मर्जी से नीचे अब वो कुसामंत करके ले गए सिंबल जो का तुड़ा होगा तू अपनी मर्जी से चल कुसामंत से गए चौधरी भैया ये बता रहे ऐसे गए जैसे बता रहे बाढ़ गए नहीं उमर गए हम बुढ़े हो रहे हम तो जितने समझ रहे होते कह रहे ये नए नए उमर गए सिंबल क्या है और कटाया क्या फटाया क्या ये तो ये जान सके हमें तो बता नहीं भैया हम तो सुधन सोच जाना है अगर भाई वहाँ चलाया भाजपा ने तो भाजपा का ही हो गया हम भी भाजपा जा रहे हैं वोट तो भाजपा को देनी देनी सरकार भाजपा की भाजपा का मजा लेना। चाचा क्या नाम है आपका? नाम तो बबलू है मैं धनजू गांव में है। क्या माहौल आप महसूस कर रहे 2024 के चुनाव को लेकर? अजी हमें तो ये बता हम तो बीजेपी को वोट दे पहले से ही हम कहीं जाते ही नहीं बस समाज से हम है धनजाट है हाँ जी हम तो फूल पे वोट दे मैं पहले से वोट दे रहे बीजेपी को हाँ जी पहले से ही हम नहीं हटते ना हम पार्टी बदलते ना हाँ जी हम तो एक बार पार्टी में लगे हुए हैं। हाँ क्या नाम है अंकल? मनोज सिंह मनोज से हाँ जी। क्या माहौल आप महसूस कर रहे 2024 के चुनाव को लेकर? जी 2024 का तो यही माहौल करे जयंत चौधरी उधर है तो हमें भी बीजेपी को वोट देनी पड़ेगी बस यही है जी और क्या कहीं जा तो सकते नहीं इसलिए जी अब जब इधर ही मिल गए तो हमें भी तो इनके साथ ही मिलकर चलना पड़ेगा अब तो बीजेपी की लगा लो चाहे लोकदल के साथ लगा लो ये साथ मिलकर को चलेंगे तो कुछ कर भी लेंगे नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ जी क्या माहौल महसूस कर रहे हैं जी आप? बहुत बढ़िया है जी यो 20 साल में पहला कदमने का काम करा चौधरी साहब ने नहीं तो अब तक नींगे तिंगे भी खड़े थे अब एक जगह आ गए समाज में जो टकराव हो रहा था आपस में एक जगह इकट्ठा हो गया ना वो बिखर रहा था जो जयंत के साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो गन्ने का भाव गन्ने का भुगतान MSP और किसान एक बार फिर से वहां पंजाब के बॉर्डर पर खड़ा है दिल्ली आने नहीं दिया जा रहा उसे ये मुद्दे परेशान नहीं करते आप लोग? हमें कुछ नहीं परेशान करते ना आपका गंडा बो रखा ना परेशान है चाहे मत करो पेमेंट बस और क्या और आपका ताल लग गया आगे को भी नहीं बोनेंगे बस दूसरी फसल पकड़ेंगे
धान की फसल पकड़ रहा होगा, देखता हूँ धान में क्या लाभ मिलता है। हाँ जी आपने छोड़ दे, लेकिन भाई तो परेशान होंगे, ये भी छोड़ देंगे धीरे धीरे, जब मुझे लाभ मिलेगा मैं इन्हें बताऊंगा, फिर ये भी छोड़ देंगे, ये भी मेरी गैल चलेंगे, बस यही समस्या का समाधान है। फिर समस्या का समाधान बहुत विकट है, समस्या जो है भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ा रही है, और महंगाई पर पहला कंट्रोल होना चाहिए सरकार की, जो हर चीज पे खुदरा पे देख लो आप, खाद पे किसी भी चीज पे एक गारंटी है इनकी, एक किसान के जो एमएसपी है इसकी गारंटी क्यों नहीं देना चाह रही है सरकार में, कहीं तो मतभेद है या मनभेद है ये बताओ आप। अब तो जयंत चौधरी भी एक इंटरव्यू में मैंने सुना कह रहे हैं कि भाई नहीं एमएसपी की गारंटी तो दी नहीं जा सकती। नहीं देखो उनके तर्क हो सकते हैं, किसान तो अपनी कहेगा ना, किसान तो अपने लेवल पर बोल रहा है, अब वो जो उनके नेता है वो बोलेंगे, जो किसान को सुविधा लगेगी वो किसान बोलेगा। फिर इन मुद्दों के आधार पर वोट भी पड़ेंगे क्या? हाँ वोट तो पड़ेंगे, मगर अशिक्षितता ज्यादा है इसमें, जातिवाद पे इलेक्शन होगा, जिधर का मतलब कास्ट भारी पड़ जाएगी उधर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, और जाट बाहुल्य यहाँ ज्यादा है तो संजीव बालियान के चांस 100 के 100% है। तो ये मुझे लगा सबसे बुजुर्ग लोग आप ही बैठे हैं यहाँ पे, क्यों नाम तो बताओगे आपका? अलबेल है। अलबेल? हाँ। अलबेला। अच्छा तो भैया आप तो जयंत की गल रहे हैं, जयंत की गल रहेंगे बस, लोक दल अब तक लोक दल को वोट देते हैं, अपना किसी को दी नहीं। क्या कह रहे थे अलबेल जी? लोग साथ उसके साथ रहेंगे, कहीं जाओ उसके खेल रहेंगे, उनको आगे साथ तो रहोगे, लेकिन जयंत चौधरी ने सही करा क्या और नया गठबंधन बनाया आज? कुछ भी आगे पता ही कुछ नहीं, आगे बताओगे क्या, ये पता ही कुछ नहीं है, बताओगे गलत करा सही करा, आगे कुछ उधार करेगा किसानों का जब भी तो चलेगा पता, जब अभी तो गया ही गया है, 30 रुपए बढ़े थे 20 बढ़ाए, 10 खा गए योगी नहीं खाए, बताओ आगे क्या हालो करेंगे ये? फिर भी बीजेपी को वोट तो देनी पड़ेगी जयंत की जरूरत से, अरे हमने बीजेपी को वोट नहीं दिया आज तक, अब देनी पड़ेगी, इच्छा नहीं मजबूरी है, अब तो इच्छा ही है, मजबूरी क्या होती है, जब से उसमें चला गया अब तो इच्छा ही है, मजबूरी नहीं कुछ भी। क्या नाम है? संजीव योगी। योगी तो आप क्या महसूस कर रहे हैं योगी जी? मुझे फंडो लोकसभा आपके चैनल के माध्यम से लाखों आपके वो हैं, तो सही बात तो ये है कि जब हमारा एक किसान नेता संसद में बैठेगा, सरकार में भागीदार रहेंगे, तो नीतियों में कहीं ना कहीं सलाह मशवरा होगा, जब नीतियों में सलाह मशवरा होगा तो ठीक ही नीतियां लागू होंगी। भाई अगर ये कहते हैं कि भाई बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है, ठीक है किसान नेता तो अब उसमें कुछ पहुंचे हैं ना, बीजेपी में भी कुछ किसान नेता हैं, लेकिन इतने प्रभावी जितने जयंत चौधरी एक सर्वमान्य किसान नेता हैं, जब वो अब सरकार के साथ गए हैं तो बैठकर नीति निर्धारण में मैं समझ रहा हूं कि उनको उपेक्षा तो होगी नहीं, सरकार में जो कृषि नीति बनेगी या हमारी जो एमएसपी है या और सारी चीजें हैं, तो उसमें एक पढ़े लिखे समझदार और किसान नेता सर्वमान्य नेता हैं, अब वो सरकार में पहुंचे हैं, तो एक जब नीति बनेगी, कोई कृषि नीति बनेगी, किसान की नीति बनेगी, मजदूर की नीति बनेगी, जमीन से जुड़े हुए लोगों की नीति बनेगी, तो उसमें जयंत चौधरी की सलाह एक मैं मानता हूं कि सरकार हमारी सलाह को सर्वोपरि रखेगी, उस बात को समझेगी और उसी के हिसाब से वो नीति आगे लागू करेगी। तो इसलिए ये गठबंधन होना बहुत ज्यादा जरूरी था, ताकि वहां एक किसान नेता बैठे और अपनी बात कहे, नीति निर्धारण में उनके फैसले को तवज्जो दी जाए, ये बात। तो उम्मीद है कि भाई चौधरी बीजेपी की जो मान लो नीतियां हैं उन्हें बदल देंगे या बीजेपी चौधरी को बदल देगी? नहीं नहीं नीतियां बदलने की बात नहीं है, बात यह है कि जिसको कहते हैं भाई बीजेपी किसानों की पार्टी नहीं है, ये सर्वमान्य वो थी, लेकिन उसमें बीजेपी में भी अब कुछ किसान नेता पहुंचे थे, लेकिन उनसे सलाह मशवरा करना शायद शीर्ष नेता उन्हें जरूरी नहीं समझा होगा, और उनको इस कृषि नीति का पता नहीं था, तो उन्होंने अपने मनमाने ढंग से जो भी वो करते थे वो कर लेते थे, क्योंकि जो सलाह मशवरे वाला कोई था ही नहीं। अब बड़े नेता, सबसे बड़े नेता, किसानों के सबसे बड़े नेता पहुंचे हैं,
तो उनका उनकी सलाह मशवरा बहुत मायने रखेगी और सरकार किसान नीति पर बहुत ज्यादा अमल करेगी। इस हिसाब से गठबंधन बहुत ज्यादा जरूरी था। जयंत चौधरी का उनके साथ मिलना बहुत ज्यादा जरूरी था। अच्छा, मुजफ्फरनगर लोकसभा क्षेत्र है, एक तरफ संजीव बालियान जी चुनाव मैदान में है बीजेपी आरएलडी गठबंधन से, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस से हरिंदर मलिक चुनाव मैदान में है। दोनों नेताओं की आप तुलना करते हैं तो आप तब आपका मन क्या कहता है? युवा नेता है हरिंदर मलिक जी, तो बुढ़े हो गए, उनके घर में एक विधायक है, क्यों बार बार जो है अपने आप को यहाँ करते हैं और वो करते हैं। तो संजीव बालियान एक युवा नेता है, संजीव बालियान भी एक किसान नेता है, किसान के घर में उन्होंने जन्म लिया, किसानों की वो दुख दर्द बहुत बढ़िया तरह समझते हैं। और जब अब जयंत चौधरी भी साथ आ गए तो फिर तो अब तो कोई आगे कोई कहने वाली बात ही नहीं है। तो क्या संजीव बालियान के कामकाज से, चूंकि दो बार के सांसद है, केंद्रीय मंत्री है, आप लोग खुश है यहाँ पे? नाम क्या? नाम प्रवीण है जी। उसे आप मंत्री का कामकाज ठीक चल रहा है? काम सब सत्ता में चल रहा है, आगे बताऊंगी जी। हमारे दीपक भाई आपके कंधे पर जिम्मेदारी है, मंत्री जी कामकाज से कितने खुश है आप संजीव बालियान जी के कामकाज से? 10 साल के टर्न से वो आप यहाँ पे सांसद है। देखिए, अब नया गठबंधन बनाया राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा का, अब सरकार की जो भी नीतियां होंगी प्रदेश में या देश में, वो कहीं ना कहीं जो किसानों के नेता हैं हमारे आदरणीय जयंत चौधरी जी और किसानों की जो पार्टी है हमारी राष्ट्रीय लोकदल है, कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी उस नीतियों में रहेगी। तो किसानों के लिए जो भी बात होगी वो कहीं ना कहीं भागीदारी जयंत चौधरी जी की भी उसमें रहेगी, क्योंकि किसानों के देश में अगर कोई एकमात्र नेता है वो जयंत चौधरी जी है। तो भरोसा कायम है चौधरी पे? हाँ जी, पूरा पूरा। हम तो जहाँ हमारा चौधरी जयंत सिंह है, हम तो ही है जी। चाहे चौधरी साहब जिस भी पार्टी के दल आए हुए गए चले जा, जिस गए जयंत जी जाऊंगे तो उसके पीछे है जी, बस यही है हमारा। जैसे अब भी फैसले आप बदलने की, गठबंधन चलो अब 24 के लिए तो होगा, 27 में दोबारा रचे जाने की, वो सारा काम शीर्ष नेतृत्व दिखा जी चौधरी साहब का, जो चौधरी साहब कहेंगे वही वोट जाओगे। क्या कहना चाहोगे दोस्त? हम तो मैं ही इसी वार्ड जिला पंचायत मेंबर हूँ। नाम आप? मेरा नाम प्रताप लोहिया है। और जब चौधरी साहब के साथ हैं हम तो, अगर वो विपक्ष में थे तो हम विपक्ष में उनके साथ थे, जैसा चौधरी साहब ने फैसला लिया उनके फैसले के साथ है। अब फैसला आया तो गठबंधन से, यहाँ एनडीए गठबंधन से संजीव बालियान जी प्रत्याशी है, तो उन्हें लड़ाना हमारी मजबूरी भी है और जिम्मेदारी भी है। तो मजबूरी शब्द पहले इस्तेमाल करा आप। मजबूरी इसलिए है क्योंकि आज तक तो हम इनके खिलाफ ही बोलते आ रहे थे, लेकिन जब चौधरी साहब ने जो है इनके साथ आएंगे तो अब तो जिम्मेदारी से हमें लड़ाना पड़ेगा उन्हें। और मैं वैसे भी अनुसूचित वर्ग से आता हूँ, तो ये मेरे ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी ये भी है कि मुझे उन्हें कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में घूम कर जो है ज्यादा से ज्यादा वोट भी दिलवानी, ये मेरी जिम्मेदारी भी है। चलो ये साहब, अगर मान लो मायावती जी जैसी की चर्चा है, अभी कंफर्म तो कुछ नहीं लेगी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन में आ गई, तो फिर दलित का रुझान क्या बनेगा? देखो ऐसा है, दलितों को भी दिख रहा है जयंत चौधरी जी हमेशा हर वर्ग के बारे में सोचते हैं। पुरका जी से हमारे माननीय विधायक अनिल कुमार जी को कैबिनेट में भेजने का काम जयंत चौधरी ने किया, बहुत बड़ा काम है ये। बहन जी भी मुख्यमंत्री रही, वो भी नहीं भेज पाई, उनकी सरकार में भी विधायक थे। तो चौधरी साहब ने जो इतना बड़ा ये निर्णय लिया, अनुसूचित वर्ग के एक विधायक को कैबिनेट में भेजने का काम किया, बहुत बड़ी बात है। समाज इससे प्रभावित है और कहीं ना कहीं संजीव बालियान जी के पक्ष में वोट देने का काम करे। क्या कहना चाहोगे भाई? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जयंत चौधरी के आते ही देखिए, जैसे योगी जी ने घोषणा की है कि किसानों के लिए बिजली फ्री हो जाएगी, तो ये एक पढ़े लिखे और किसान नेता की सोच है कि जो जैसे डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो यही चीज है कि जयंत चौधरी का एनडीए में आने से बहुत फर्क पड़ेगा, किसानों के लिए अच्छी नीतियां बनेंगी। लास्ट ईयर भी सरकार ने घोषणा की थी कि हम जो है किसानों को बिजली फ्री कर देंगे, मार्च से वो लागू होगी, लेकिन उस टाइम वो नहीं कर पाए। लेकिन जैसे ही हमारे चौधरी साहब गठबंधन में आए, इस बार घोषणा ही नहीं, वो लागू कर दिए। तो ये फर्क है, जब किसान नेता किसी पार्टी में आता है या किसानों की सोच रखने वाले नेता जब पार्टी में या उसमें सरकार में भागीदारी करते हैं तो उसका फर्क पड़ता है, ये फर्क साफ साफ देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में क्या ऐसे और फैसले भी केंद्र सरकार के स्तर पे या प्रदेश सरकार के स्तर पर नजर आ सकते हैं? बिल्कुल आएंगे, चूंकि किसान की भागीदारी, किसान नेता की भागीदारी सत्ता में हुई है, तो उसका प्रभाव, उसका फर्क आपको दिखाई देगा, आम जनता को दिखाई देगा। किसान हित में, आम जन हित में बहुत सारे फैसले आने वाले समय में आएंगे। बिजली का भी उदाहरण दिया इन्होंने बताया, चूंकि अब से पहले
जो सरकार घोषणा करती थी, बहुत सारी घोषणा करती थी, लेकिन उसको अमली जामा नहीं पहनाया जाता, कहीं ना कहीं गड़बड़ रह जाती। लेकिन चूंकि अब चौधरी साहब की भागीदारी होगी, अब ऐसा नहीं होगा, किसान हित के फैसले होंगे, आम जनहित के फैसले होंगे और उसको अमली जामा पहनाया जाएगा, उनको क्रियान्वयन किया जाएगा। अच्छा, गठबंधन में बीजेपी, आप तो दोनों ही तरफ गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी आरएलडी, दूसरी तरफ सपा कांग्रेस, अभी फिलहाल के लिए तो एक तरफ है मायावती, मायावती भी है, अलग लड़ेगी। और कभी जो भरोसा हो आप लोगों को, उनको नाच खुआ रहे हैं और ये वोट देंगे, वोट ना दें एक भी, मैं झूठ कह रहा क्या भाई? कभी इस चक्कर में हो, नाच फ्री दे रहे हैं, वोट ना दे एक भी, अगर उसका कैंडिडेट लड़ा तो एक एक वोट जाएगा। थोड़ा हो जाऊं थोड़ा। अच्छा, मुझे हरिंदर मलिक से कोई लगाव नहीं, कैंडिडेट कमजोर नहीं है, उसका कारण है अजीत सिंह ने जो चुनाव लड़ा था, कुल 6,000 वोटों से हारे गई है, ऐसा ही है। अच्छा, वहाँ ये चर्चा चली थी मुजफ्फरनगर में, वे कहाँ ढूंढेंगे, वहाँ के जाट जो है इस पर ज्यादा चले गए, संजीव बालियान पे, ये ऐसी रिपोर्ट है, कोई कोई बता देगा, देखो कहाँ ढूंढेंगे, इसे दिल्ली में रहेगा, कहाँ ढूंढेंगे, हाँ वो वहीं का है जी, थार मत पे चलेगी। और हम तो जयंत के कहने से दे ही देंगे जी वोट, हमारा तो कहना ही कुछ नहीं है, बात ही खत्म है जी, मानने रहा वोट दे दोगे, वोट दे दें जी, मानने रहा, बस दबाव ना डालो ज्यादा, बस वोट तो हम देंगे। ऐसी बात नहीं है, ये अपनी जगह सही है, ये भी देखो कुछ खामियां रही सरकार में, सही बात है, नाराजगी थी, हम सब लोगों में नाराजगी थी, और सभी सरकारों से खैर होती है, कमियां भी होती है, लेकिन अब चौधरी साहब वहां है तो ऐसी बात नहीं, सब कुछ ठीक होगा, और अगली जो सरकार 24 के बाद 29 तक चलेगी वो सही चलेगी, किसान हित में चलेगी, आमजन हित में चलेगी, मजदूर हित में चलेगी, चूंकि चौधरी साहब की भागीदारी वहां मजबूती के साथ है। किसान नेता पहले भी थे वहां, ऐसा नहीं है, किसान नेता उनके भी थे, 50% जाट ले रहा अरिंदर मलिक, और मुस्लिम एक का वोट, तुम खुलकर बोल रहे इनके दबाव में ना, ये तो नेता है, मुसलमान वोट एक, अच्छा इधर को जाओ थोड़ा सा, इन्हें भी तो सुना, अपने भाइयों अगर यहाँ मुजफ्फरनगर से लोकदल को मिलती, अब क्या लोकदल का जीतता, ये तो भगदौड़ नहीं तो हुई है, जो सीट को अगर ये मान जाते तो जो है ये भगदौड़ ही नहीं हो गई थी। हाँ, ये कैंडिडेट जो है अब आसान नहीं है, इनको जो है लोग दलवाड़े मिल गए तो जीत जरूरी है, कोई वैसी बात नहीं है, वोट तो हम करेंगे लेकिन मक्के कितने भगेंगे, राजनीति मत से भी चल रही है, एक सिसोली से भी चले राजनीति, हाँ बदमाशी तो वो करें, हम ना करने का कुछ भी। हाँ, वो तो पूरी दुनिया का कर रहा, बेपढ़ लिखा आदमी, हाँ ये टिकायत जो है पूरी दुनिया की राजनीति कर रहे हैं, वो आ राजनीति कहने ही तो है, हाँ वो पीएम के उसमें बैठ जाए हवाई जहाज में, असली तो वो है, हाँ बस और क्या कहना जी। क्या कह रहे था जी, खास तौर पर दलित वोटरों पे इन्होंने कहा भाई फ्री के राशन का मतलब ये नहीं है कि वोट पक्की है बीजेपी। देखो पहले तो मैं ये बता दूं कि जो राशन मिल रहा है केवल दलित समाज को ही नहीं मिल रहा, जाट समाज को मिल रहा है, ब्राह्मण भी ले रहे हैं, हर वर्ग के लोगों को राशन मिल रहा है। और रही बात वोट की, वोट का आपने पिछला उदाहरण देखा होगा, बीएसपी का प्रत्याशी यहाँ रहा विधानसभा चुनाव में, केवल 18,000 वोटों पर सिमट गया, वो वोट कहाँ गई फिर? अगर बीएसपी वाली बात होती तो फिर प्रत्याशी को वोट मिलता, संजीव दामा बीएसपी से यहाँ प्रत्याशी था, केवल 18,000 वोट पर सिमट गया, और उससे पहले जब यहाँ से चुनाव लड़े माननीय विधायक चंद्रवीर जी 57,000 वोट को ले गए, ये बात तो कहनी गलत है, कहीं ना कहीं हर वर्ग समझ रहा है इस बात को, और वो जो है विकास के मुद्दे पर भी वोट करेगा, और ये जो नारा दिया है अगली बार 400 पार, ये बिल्कुल सफल नारा है। आप बताओ लो यही मान लो मुजफ्फरनगर में जो विपक्ष में थे जिला पंचायत सदस्य, उनकी शिकायत अभी तो नहीं सुन रहा मैं जब से गठबंधन आया, लेकिन उनकी शिकायत ये थी कि जो गठबंधन में जिला पंचायत सदस्य सॉरी बीजेपी के खिलाफ जो जिला पंचायत सदस्य थे उनके यहाँ एक ईट नहीं लगी, आपके साथ क्या हुआ यहाँ? ये हमारे यहाँ तो जो है 2 साल तो हमें काम मिला, लेकिन 1 साल जो है ये जो लास्ट ईयर गया हमारा, ये इसमें काम नहीं मिला, 2 साल हमें ठीक मिला और आने वाले कल में भी अब तो ठीक ही मिलेगा, अब तो जब एनडीए के साथ हम चले गए तो अब तो कोई
ऐसा होगा ही नहीं की कामना। भाई आप गठबंधन में इस तरफ होने की विपक्ष में होने की वजह से आपके कामकाज में फर्क था? थोड़ा बहुत फर्क तो होता ही है, होता है। वैसे इस गांव में मैंने बनने के बाद में दो काम मैंने कराए हैं। एक यहाँ शमशान घाट का एक सड़क है, वो सड़क मैंने बनवाई। एक किसानों का ही रास्ता है यहाँ खड़ंजा, वो मैंने लगवाया। वो बराबर का गांव है इसी मजरे का, पर मोहम्मदपुर में मैंने कराया। गांव के अंदर 50 लाइटें मैंने पर गांव के अंदर लगवाई। ये विकास तो कराया है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यह है कि कई बार वो ट्यूनिंग वाला मामला होता है, तो ट्यूनिंग बन जाती है तो काम मिलते रहता, नहीं बनती तो नहीं मिलते। आप एक तरह से मान लो मिनी विधायक है, जिला पंचायत सदस्य मिनी विधायक ही होता है, तो सरदाना विधानसभा क्षेत्र से आपको क्या लग रहा है कि पलड़ा कितना भारी या हल्का रहेगा किसका? अब तो एनडीए का ही रहेगा, गठबंधन का ही पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि बिना गठबंधन के भी जब मैंने बालियानी चौधरी साहब के सामने जीत गए तो। लेकिन अब तो यह है कि चौधरी साहब यहाँ पर आ गए तो कहीं ना कहीं एक तरफ ही हो जाएगा। अब तो सरदाना विधानसभा से पहले 2022 में जो चुनाव परिणाम था वो पलट जाएगा? हाँ पलटेगा बिल्कुल, स्वाभाविक है पलटता। ताऊ जी ने कहा फ्री के राशन से वोट नहीं मिलने की, आपने तुरंत तस्दीक करी नहीं मिलने की ना जी। ताऊ जी ने कहा था फ्री के राशन से वोट नहीं मिलने की, आपने कहा बिल्कुल नहीं मिलने की। हाँ सही है, मैं आदमी को तो काम चाहिए। नो माल्या मैं ही घर में बैठा हूँ, मुझे खाने को मिल रहा फ्री में, तो मुझे चौधरी कौन सी आपत पड़ी, मैं खेत में जाऊंगा या दही तोड़ूंगा, मैं तो खाट पर बैठ कर खाऊंगा, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। और कुछ काम ऐसे भी हुए, हमने एक केस हुआ था मेरे साथ में, बालियान साहब से बात करी थी तो उन्होंने जवाब दिया था मेरे क्षेत्र में ही नहीं है वो मामला, मेरे क्षेत्र में नहीं, मना कर दी थी। लेकिन हम हमारी मजबूरी है, तो हमारी मजबूरी वो है, जब हमारे बड़े वहां जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, जो हुई अपना भूल लेंगे उन चीजों को। बात करवाई थी, फोन करा था, मना कर दी थी अगले ने। तुम्हारे पे अगर मुसीबत आ रही है, आप यहाँ बैठे और तुम जहां से भी आ रहे हो, आपसे कहा जाएगा भाई मेरी, आप कहोगे वहां से मेरे साथ ही मुसीबत है, मना कर देगा तो मैं टाइम पर, मेरा तो क्षेत्र नहीं है वो, इसमें क्षेत्र की क्या बात आ जा। आदमी को जाना तो चाहिए, 5 साल में हर आदमी को ये बात याद आवे, वो कौन किसे देगा, 5 साल से पहले भी तो भूल सके आदमी। किसान लट बजाता वहां, वो कैसे भूल लेंगे उन्हें, उससे फर्क नहीं पड़ा। कोई आपको अगर गाली दे दे, आपका मार दे तो अजय बैठ जाओ, बीजेपी के पहले नेता थे और आपकी बराबर में बैठा आदमी क्या कह रहा वो तो सुनो, बैठ जाओ। लेकिन इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा आपका, कोई हम मार दे समझ का चलो तो इस चीज का फर्क नहीं पड़ेगा आपका। लेकिन मजबूरी हो है, हमें रहना अब उनके साथ में, भैया जयंत है। आज तक मैंने किसी पार्टी को वोट नहीं दी जयंत के सिवाय। लोगों ने ये भी कहा लो खड्डे में घेर रहा, मैं कहा साड़ी को भरूंगा तो कुछ तो ऊपर को आवेगा ही, लेकिन आप इनके साथ है देनी पड़ेगी वोट। जब वही चलेगा जो मेन चीज थी, जब वही उनके दौरा है तो अब हम कहां जा। ये कमियां खामियां रही है क्या आप लोगों ने पूरी नहीं करी इनकी? मान लो दिक्कत थी सुलझाने तो चाहिए थी आप लोग। हाँ सुलझाई हमने, लेके आए थे इन्हें, लेके आए थे, चलता है होगा, थोड़ा नहीं दे पाए होंगे, थोड़ा इनको ले, इनको लेकर आए थे वहां से। चलो आप एक शॉर्ट मैं कर लेते हैं थोड़ी सी चर्चा। संजीव बालियान बनाम हरेंद्र मलिक फिलहाल आज की तारीख में मुजफ्फरनगर का चुनाव है, आपके सांसद दो दफा से है संजीव बालियान जी, कितने खुश उनके काम से और उनके व्यवहार से है आप लोग? भाई अब उनका तो क्या आकलन किया जाए, देखो हम तो सब राष्ट्रीय लोकदल के लोग हैं, उसका हम आकलन ही नहीं कर रहे। चौधरी साहब का गठबंधन हो गया, हम आंख मीच के उधर लगे, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। सारी बात तो मड़ा फिर गया क्या अब? हम नेता के पीछे है जी, अगर चौधरी साहब के पीछे हैं नहीं तो चुनाव जीतना मुश्किल होता है संजीव बालियान जी को। अगर गठबंधन में ना होते जैन जी तो चुनाव जीत पाते होगा संजीव बालियान। अब एक तरफा है, सरना विधानसभा से 50 कम से कम 50,000 वोट जीत के जाऊंगे। जैन चौधरी ब्रांड इतने बड़े हैं देश में, केवल एक ऐसे नेता एक ऐसे सांसद जैन चौधरी जी हैं, 750 से ज्यादा सांसद राज्यसभा और लोकसभा में हैं, लेकिन जैन चौधरी के अलावा किसानों की युवाओं की गरीबों की मजदूरों की कोई बात करने वाला और कोई है नहीं नेता। अब फिलहाल गठबंधन हो गया तो गठबंधन के हिसाब से जहां जैन चौधरी जी का निर्देश और आदेश है वहां जाएंगे। तो सरदाना विधानसभा क्षेत्र के इस गांव में आज चर्चा हुई, लगभग हर समाज के लोग मौजूद भी रहे और जाट समाज के जो अधिकतर
लोग हमें यहाँ मिले, मैक्सिमम आरएलडी के वोटर हैं, और कह रहे हैं कि जयंत चौधरी की वजह से, और लगभग साफ ही शब्दों में कह रहे हैं कि मजबूरी में ही भारतीय जनता पार्टी को वोट दी जा रही है। यहाँ ऐसे भी लोग मिले जो कह रहे हैं जाटी हैं, लेकिन कह रहे हैं कि भाई जिंदगी में पूरी जिंदगी उन्होंने बीजेपी को वोट दी, और ऐसे बुजुर्ग भी हमें मिले जो कह रहे हैं कि हमने कभी बीजेपी को वोट नहीं दी पूरी जिंदगी, इस बार पहली बार मजबूरी में भाजपा का बटन वो दबाएंगे। माहौल अभी चुनाव शुरू हुआ है, धीरे धीरे करवटे लेगा, और आखिरी में क्या परिणाम मतदाता देंगे वो तो ईवीएम से निकलने वाले नतीजे बताएंगे।